आप सुहाना से प्यार करते हो बेटा, आपकी आंखों में दिखता है, महसूस होता है। आप अपने दिल में झांक कर देखो बेटा, अपने दिल से पूछो, अपने दिल से सोचो, फिर आप जो फैसला लोगे वो एकदम सही फैसला होगा। तो क्या मुझे भी सुहाना से प्यार हो गया? आज मन कर रहा है कि तुम्हें वो 3 मैजिकल वर्ड्स बोल ही डालूं। बोल दो। I love you, Suhana. I love you. I love you too, Aryan. Muskurane ki wajah tum ho, gungunane ki wajah tum ho, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे। ओरे लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे। इसका मतलब कमला आंटी सही कह रही थी, मुझे सुहाना से सच में प्यार है। आर्यन तू भी कितना बुद्धू है यार, उसे छोड़ के जा रहा था पागल। I love you सुहाना, I love you, I love you। अब अंकल आंटी थैंक यू, हैव फन। Thank you.
शायद मैं गलत थी, आर्यन नहीं आएगा। देखिए दीवान जी, आपकी बेटी हमारे बेटे अंकित के लिए हमें बहुत पसंद है, लेकिन आपने उसके सगाई कर रखी थी, इसलिए इस बारे में कभी हमने आपसे बात नहीं छेड़ी। थैंक यू वेरी मच मल्होत्रा साहब, वेरी स्वीट ऑफ यू। लेकिन बात यह है कि सुहाना की एंगेजमेंट अभी अभी टूटी है। सुहाना या फिर हम लोग भी इस कमिटमेंट के लिए अभी तैयार नहीं। कोई बात नहीं दीवान जी, आप सुहाना को पूरा टाइम दीजिए सोचने के लिए, हमें कोई जल्दी नहीं। और हाँ, हम हाँ के इंतजार करेंगे, और जब आप कहेंगे हम शगुन लेकर हाजिर हो जाएंगे। देखिए भाई साहब, बिजनेस में तो आप लोग पार्टनर्स है ही, अगर ये पार्टनरशिप रिलेशनशिप में बदल जाए तो हर्ज ही क्या है। और वैसे भी ये दोनों कॉलेज से फ्रेंड्स हैं, और मुझे नहीं लगता कि सुहाना को कोई एतराज होगा। अब हमें इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। आर्यन, तुम यहां क्या कर रहे हो? अखिल, मैं आपसे सॉरी बोलने आया हूं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कल। I'm sorry अंकल, मुझे माफ कर दो। साहब, मुझे ऐसा लगता है कि आर्यन को अपनी गलती का एहसास है। साहब, आप उसे माफ कर दीजिए। प्लीज अंकल, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। तो क्या, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। थैंक यू। आर्यन, मैंने अगर आपको माफ कर दिया है तो इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने अपना डिसीजन बदल लिया है। आपका और सुहाना का कोई रिश्ता नहीं। अंकल, कल मैंने जो कुछ भी किया ना, वो सब नाटक था अंकल। हाँ, मैंने कोई शराब वराब नहीं पी थी। अंकल, मैं उस वक्त सिर्फ कंफ्यूज था कि मैं शायद सुहाना को प्यार नहीं करता हूं। और वैसे भी अंकल, सुहाना भी उस वक्त हमारे रिश्ते को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज थी, है ना सुहाना? और मैंने कल ये नाटक किया अंकल, ताकि आपको गुस्सा आ जाए और आप मुझे घर से बाहर निकाल दें, और फिर सुहाना पर भी कोई ब्लेम ना है। अब मुझे एहसास हो चुका है अंकल कि मैं सुहाना से बहुत प्यार करता हूँ। अब सब कुछ क्लियर है अंकल, कोई कंफ्यूजन नहीं है।
आर्यन, अब तो मैं आपकी शादी बिल्कुल भी सुहाना से नहीं करवा सकता। आर्यन, आप अच्छे लड़के हैं, लेकिन आप मेरी सुहाना के काबिल नहीं। आर्यन, क्या लगता है आपको, जब आपके दिल में आएगा आप आके रिश्ता तोड़ देंगे, जब आपके दिल में आएगा आप आके रिश्ता जोड़ लेंगे? और ये मत भूलिए कि ये सुहाना दीवान संजय दीवान की बेटी, रिश्तों की कोई कमी नहीं है इनके। ऐसा लगता है मुझे कि शायद सुहाना आपको अभी भी उतना ही प्यार करती है जितना कि याददाश्त होने से पहले। अब ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में आपका इतने बड़े डिसीजन को लेके इतना कंफ्यूज होना, कैसे मैं आपकी शादी करा दूं अपनी सुहाना से? भाई कल को कुछ हो गया, आपका मन बदल गया तो मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी। अंकल मुझे एक लास्ट चांस। अब आपकी और हमारी फैमिली के लिए यही अच्छा होगा कि आप यहां से चले जाएं। थैंक यू। अब पैर कैसा है बेटा? कौन सा वाला आंटी, राइट वाला या फिर लेफ्ट वाला? मजाक कर रहे थे, सुहाना के लिए वापस आए ना? हाँ। धीरज, जरा डॉक्टर को बुला लो, वो देख जाएगा कि इंजरी थोड़ी सीवियर तो नहीं है। ओह गॉड, अगर डॉक्टर ने चेकअप किया तो वो समझ जाएगा कि मुझे कोई मोच नहीं आई है, अब गड़बड़ हो जाएगी। अंकल, अंकल, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा। वो क्या ना, बाहर थोड़ी बारिश ज्यादा हो रही थी, भीग गया, थोड़ा सा फीवर हो जाता है मुझे, और ये जो मोच है ना, ये तो बस एक दो दिन में ठीक हो जाएगी अंकल। डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके ओके, एक काम करो, तुम एक दो दिन आराम करो, अगर ठीक ना हो, दर्द रहे तो फिर हम डॉक्टर को बुला लेंगे। हाँ अंकल। सुहाना, आंटी, आप सही थी, मुझे सुहाना से प्यार हो गया। एक बात बोलो बेटा। जी आंटी। प्यार की शुरुआत सच्चाई की बुनियाद पर की जाती है, लेकिन आपने फिर से झूठ का सहारा लिया। लेकिन आंटी, मैं अपनी पिछली गलती सुधारने के लिए तो वापस आया हूं यहां,
मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि मैं सुहाना के करीब रह सकूँ, उसे अपने दिल की बात कह सकूँ। लेकिन आंटी, आपको मेरी हेल्प करनी होगी। मैं कुछ समझी नहीं आ रही। आंटी, मुझे सुहाना और अंकल को प्रूव करना होगा कि मैं सुहाना के काबिल हूँ। मैं बुरा लड़का नहीं हूँ आंटी, पर आंटी ये आपके बगैर नहीं हो सकता, इसलिए आपको मेरी मदद करनी होगी। करेंगी ना आप मदद? नहीं आर्यन, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। देखो आर्यन, ये तुम्हारी लड़ाई है बेटा, तुम्हें ये लड़ाई खुद लड़नी होगी और जीतना होगा। तुमने सिर्फ सुहाना का दिल नहीं बल्कि सभी घर वालों का दिल तोड़ा है। आंटी, आप घर वालों की चिंता मत कीजिए, उनको मैं मना लूंगा, लेकिन सुहाना को अपने दिल की बात बताने में आपको मेरी मदद करनी होगी। आपको बताएं आंटी, लाइफ में पहली बार मुझे प्यार का एहसास हुआ है और मैं ये एहसास अपने साथ हमेशा संभाल के रखूंगा, और आपकी सुहाना को भी। लेकिन आंटी, ये सब तभी हो सकता है अगर आप मेरा साथ देंगी तो। आप मेरा साथ देंगी ना? मैं तुम्हारी मदद करूंगी बेटा, लेकिन तुम्हें सारे घर वालों से माफी मांगनी होगी, दिल से। आर्यन, अब तुझे ये सोचना होगा कि तू अपनी सुहाना को मनाएगा कैसे। भैया, मैं सोच रहा था कि हमारी सुहाना पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो गई है। अब उसे किसी भी आया कि उसकी कोई खास जरूरत नहीं है। I'm not sure, धीरज। और फिर मैं ये भी नहीं चाहता कि कमला जी को कोई बात बुरी लगे। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है भैया, लेकिन अगर ऐसा है तो हम उसे 2 महीने की सैलरी एडवांस दे देते हैं। ओके, बात कर लो उससे। कमला जी साहब, देखिए आपके काम से हमें कोई शिकायत नहीं, लेकिन जैसा कि आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कि जिस काम के लिए आपको उस घर में रखा गया था वो पूरा हो गया, यानी कि हमारी सुहाना अब पहले से कहीं ज्यादा बेहतर है और अपना ख्याल खुद रख सकती है। आई होप आप समझ रही हैं ना? हम सब ने डिसाइड किया है कि हम आपको 2 महीने की सैलरी एडवांस में देंगे। अमन? नहीं नहीं साहब, मुझे 2 महीने का एडवांस नहीं चाहिए, जितना काम किया है उतना ही पगार दे दीजिए। बस एक इजाजत चाहती हूँ साहब, जाने के पहले क्या मैं सुहाना को मिल सकती हूँ? कौन कहाँ जा रहा है? सुहाना बेटा, अब आप काफी ठीक हो चुके, तो हमें ऐसा लगा कि अब हमें कमला जी को फ्री कर देना चाहिए। पापा, ये अब क्या कह रहे हैं? आपको पता है ना मासी वाले हमारी कितनी हेल्प की है। तेरे पापा सही कह रहे हैं बेटा, और फिर मैं सिर्फ नौकरी छोड़ रही हूँ,
तुझसे तो बात होती रहेगी फोन पर। हमारा जो रिश्ता जुड़ा है वो मेरे जाने से खत्म नहीं होगा। नहीं मासी, आप कहीं नहीं जा रही, समझी आप?